तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, मेरे पास MI का फ़ोन है और इसमें दोस्तों पासवर्ड लगा हुआ है। तो दोनों दोस्तों MI का फ़ोन है और दोनों में एक में है पैटर्न लॉक, एक में है पासवर्ड यानी कि पिन है। तो दोस्तों दोनों में पासवर्ड पिन लगा के भूल चुका है। तो कैसे इसको खोलना है, इस लॉक को तोड़ के? तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इसमें भी पिन डाल रहे हैं, सही पिन भी डाल रहे हैं, नहीं खुल रहा है, शायद भूल चुके हैं। तो कैसे इसको तोड़ना है, तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिए। पैटर्न हो या पिन या पासवर्ड, कोई सा भी लॉक है, MI का फ़ोन है या कोई सा भी फ़ोन है, तो किस प्रकार से लॉक तोड़ना है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले इस फ़ोन को आपको ऑफ कर देना, पावर ऑफ। तो पावर बटन दबाना है, तो इसको आप स्विच ऑफ कर देना है। तो चलिए, मैं इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिए हैं और आप भी स्विच ऑफ कर दीजिए। तो अब स्विच ऑफ करने के बाद अब करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई देता होगा, पावर बटन, और यहाँ पे पावर यानी वॉल्यूम प्लस बटन और वॉल्यूम माइनस बटन, यानी कि आवाज़ घटाने वाला बटन और आवाज़ बढ़ाने वाला बटन। तो यहाँ पे आपको कौन सा बटन दबाना है, तो यहाँ पे पावर बटन और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन यानी कि वॉल्यूम प्लस बटन एक साथ प्रेस करना है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैंने दबा के रखा हूँ, तो इस प्रकार से आपको प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दबा के रखा हूँ, आपको दबा लेना है। और जब जब MI का या कोई सा भी लोगो आ जाएंगे कंपनी का, तो पावर बटन को छोड़ देना है और वॉल्यूम प्लस बटन को दबा के कुछ देर रखना है, फिर छोड़ देना है, जैसे कि वीडियो में आप लोग देखें मेरा। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, रिकवरी मोड का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं दूसरा नंबर है, तो ये ऊपर में इस प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम माइनस यानी कि आवाज़ घटाने वाला बटन से आपको नीचे करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं वाइप डाटा, तो इस पर आना है। इस पर आने के बाद आपको करना क्या है, ये जो देख रहे हैं पावर बटन, इसको दबाना है। जैसे दबाएंगे, फिर एक ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं वाइप डाटा, तो इस पर आने के बाद यहाँ पर पावर बटन दबा देना है, फिर से ये बटन। जैसे दबाएँगे तो यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन मांग रहा है, तो एक बार आवाज़ घटाने वाला यानी कि वॉल्यूम माइनस बटन को नीचे करना है। एक बार दबाने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पावर बटन को ओके कर देता, दबा देता हूँ एक बार। जैसे दबाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएंगे, जिसको कहते हैं स्प्रेड, यानी कि रिसेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाटा वाइप सक्सेसफुली। अब क्या करना है, यहाँ पर बैक टू मेनू, मेन मेनू, तो यहाँ पे पावर बटन के सहारा से आपको यहाँ पे दबा देना। दबाने के बाद यहाँ पे रिबूट यानी कि रिस्टार्ट आपको बोल रहा है फ़ोन को रिस्टार्ट करने के लिए। तो एक बार आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पे पावर बटन है, तो इस बटन से मैं दबाता हूँ, और यहाँ पे फिर से ऑप्शन आया है रिबूट टू सिस्टम, फिर से मैं यहाँ पर यह बटन दबा देता हूँ। दबाने के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ होकर फिर से चालू हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ समय लगेंगे, तो यहाँ पर वेट करना है। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार करता हूँ और थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर देता हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। काफ़ी समय लग रहा है, तो फ़ोन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मिनट के बाद यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना है प्रोसेस, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह है, तो इस पर आपको दबा देना है। इस पर दबाने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन बोल रहा है, यानी कि भाषा सेलेक्ट, कौन सा भाषा में अपने फ़ोन को चलाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर स्क्रोल कीजिएगा तो यहाँ पर एरो का चिन्ह है, तो इंग्लिश जैसे मैं सेलेक्ट किया हूँ, इंग्लिश को मैं चुना हूँ, और यहाँ पे एरो का चिन्ह है, तो इस पर दबा देना है। जैसे इस पर दबाए हैं, तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन मांग रहा है, जो कि रीजनल, आपको अपने फ़ोन को किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, कौन सा भाषा में,
तो यहाँ पे आप रीजनल आप कौन सा देश से हैं, तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे इंडिया पे सिलेक्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पे एक चिन्ह है तो यहाँ पे दबा देना है। तो इस प्रकार से दबाने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्किप कर देना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं स्किप कर देना है, यहाँ पे स्किप करने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मांग रहा है, टिक मारने का ऑप्शन मांग रहा है, तो यहाँ पे दबा देना है। दबाने के बाद फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एरो का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्किप दिस सेटिंग पर क्लिक कर देना है सेटअप पर, तो फिर से यहाँ पर एरो का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे मैं फिर से दबा देता हूँ। दबाने के बाद फिर से यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक पिन बना लेना है नया वाला, तो चलिए मैं पिन बना लेता हूँ, यहाँ पे एक नया पिन बनाना है दोस्तों। तो एक नया पिन बना लेते हैं यानी कि पासवर्ड, तो इस प्रकार से मैं बना लिया हूँ। दो बार दबाना दर्ज करना है, तो देख सकते हैं मैंने लगा दिया हूँ पासवर्ड। और यहाँ पे मैं और यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने फ़ोन से यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन दीजिए दोस्तों, वाईफाई कनेक्शन दीजिए। तो चलिए मैं अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट खोल देता हूँ। हॉटस्पॉट खोलने के बाद यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क आ चुका है, तो यहाँ पे मैं वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों अपने फ़ोन को सबसे पहले नेट से कनेक्ट कर लेना है, या तो सिम डाल के या तो वाईफाई कनेक्ट करके। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं फिर से प्रोसेस करता हूँ, यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, सेटअप न्यू, सेटअप न्यू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहे हैं, जो कि मैंने नया पासवर्ड जो बनाए थे वही पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो पासवर्ड डालने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ये पासवर्ड बिल्कुल ले लिया है, और यहाँ पे स्किप कर देना है सिंपल से, यहाँ पे भी स्किप कर देना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे आपको नो थैंक्स कर देना है, और यहाँ पे आपको करना क्या है, स्किप कर देना है, स्क्रॉल करना है इस प्रकार से और स्किप कर देना है, और यहाँ पे भी स्किप कर देना है, और यहाँ पे एरो पे दबाना है, और यहाँ पे एग्री कर देना है, और यहाँ पे इस पर दबाना है, और यहाँ पे एरो पे दबाना है इस पर, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोन का जो पासवर्ड था वो बिल्कुल हट चुका है यानी कि टूट चुका है। तो इस प्रकार से किसी भी एमआई फ़ोन या कोई सा भी फ़ोन का पासवर्ड पैटर्न पिन कोई सा भी लॉक है बिल्कुल आसानी से तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ, तब तक रह दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।